यह शेरनी पानी में फंसे हिरन को पकड़ने के लिए आगे आती है। हिरन डर के मारे पानी में वापस जाता है। शेरनी बोलती है, अरे हाथ तो दो, मैं तुम्हें पानी से बाहर निकालती हूँ। शेरनी हिरन से दो चार प्यार भरी मीठी बातें करती है। शेरनी की बातों से हिरन हिप्नोटाइज होता है। हिरन वापस शेरनी की तरफ तैरने लगता है। शेरनी बोलती है, हाँ हाँ ऐसे ही और आगे आओ। तभी शेरनी के मुंह से मांस की बदबू आती है, जिसे सूंघते ही हिरन तुरंत यूटर्न लेता है। यह प्लान फेल होने से शेरनी मायूस चेहरा बनाती है। थोड़ी देर बाद शेरनी वही खुले में छुपने की कोशिश करती है। हिरन को लगा शेरनी चली गई, इसलिए वह धीरे धीरे तैरते हुए किनारे तक आता है। शेरनी छुपते हुए हिरन की तरफ बढ़ती है और हिरन को पकड़ती है। हिरन को पकड़ते ही शेरनी बोलती है, अरे हिलो मत, बस बस हो गया। शेरनी के पकड़ने के अंदाज से ही हिरन को पता चल गया कि इसके तो ये लग गए। ये तेंदुआ अपने आइटम के साथ परमानंद देने वाली मुद्रा में विलीन होने ही वाला था। तभी उसे जाड़ों में कुछ हलचल दिखती है। तेंदुआ उस ओर देखकर बोलता है, माखी आख, इतनी रात गए अब कौन आया। तेंदुए की आइटम तो पानी पानी होती है। तेंदुए की आइटम साइड में होकर बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना अभी नहीं, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगी। तेंदुआ बोलता है, तू दो मिनट चुप बैठ, मुझे देखने दे कौन है। तभी तेंदुआ अचानक छलांग मारकर सोर को पकड़कर कुप्चे में ले जाता है। उसकी आइटम चांस मार के अंधेरे में गुम हो जाती है, लेकिन तेंदुआ पूरे शिकार पकड़ के पेड़ पर जाकर बैठता है। तेंदुए को पता है पेट की भूख सबसे बड़ी होती है। आइटम का क्या है, वह तो चलते चलते कहीं भी मिल जाएगी। यहाँ पर एक हिरन सीधा मगरमच्छ के मुंह के सामने खड़ा होकर पानी पीते हुए मगरमच्छ को ललकारने लगता है। वह सीधा मगरमच्छ की आंखों में आंखें डालकर पानी पिए जा रहा था, लेकिन मगरमच्छ उसे कुछ नहीं करता। पानी पीने के बाद हिरन पीछे हटकर मगरमच्छ को बोलता है, अवकात में रहने का समझा क्या। अवकात का जिक्र करने से मगरमच्छ हिरन की शक्ल अपनी आंखों में बसा लेता है। दूसरे दिन सारे हिरन उसी तालाब पर पानी पीने आते है। पानी के बीच मगरमच्छ उसी हिरन को ढूंढ रहा था जिसने अवकात की बात छेड़ी थी। एक जगह वही हिरन मगरमच्छ को पानी पीते हुए मिलता है। फिर क्या, मगरमच्छ उस पर हमला कर उसका पैर पकड़कर उसे पानी में खींचने लगता है। हिरन सॉरी बोलता रहा, पर मगरमच्छ उसकी एक नहीं सुनता। इसीलिए पानी के पास रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए। ओके।